दोस्तों हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, हम जो भी बताते हैं हमारी निजी रिसर्च के ऊपर आधारित होता है। आप जो भी करें सुन के जिम्मेदारी पर करें और खुद की निजी रिसर्च करने के बाद ही कुछ करें। फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और यहाँ पर ट्रेडिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने कप्टेंट दिखाया, जिस तरीके से स्टॉक मार्केट ने कप्टेंट दिखाया मार्च के महीने के बाद से, मार्च 2020 के बाद से, तो उम्मीद करते हैं कि देखिए यहाँ पर काफी लोगों ने कमाया, काफी लोगों ने गवाया जिनको जानकारी नहीं थी। जो क्रिप्टो करेंसी में नए थे नहीं कमा पाए, दिल बिल्कुल छोटा मत करें, चैनल से जुड़े रहें। टाइम टू टाइम इतनी बेस्ट स्ट्रेटजी आपको दूंगा कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बेहतरीन तरीके से आप प्रॉफिट अर्न कर सकोगे, बस आपको रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, देखिए शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, किसी भी चीज का शॉर्टकट नहीं होता है, तो इस चीज का ध्यान रखें। यहाँ पर जो लोग नए हैं, पहली बार देख रहे हैं चैनल को, पहली बार देख रहे हैं हमारे वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, नेक्स्ट टाइम उनको हमारे द्वारा दी जा रही अपडेट्स मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर दोस्तों चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पर करते हैं वीडियो को स्टार्ट और यहाँ पर सिंपल सा आप देख सकते हो कि कार्डानो का चार्ट है, डेली चार्ट है। ठीक है, और काफी लोग इस साल 2020 में काफी लोग, एक बड़ी कम्युनिटी है जो क्रिप्टो में इंटर हुई है लेकिन ट्रेडिंग को नहीं जानते हैं, क्रिप्टो करेंसी क्या है नहीं जानते। जिस तरीके से एक अपट्रेंड चला बिटकॉइन में 2017 में, उसी तरीके का अपट्रेंड चला क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन में 2020 में। ठीक है, तो देखिए जब बिल्कुल डाउन ट्रेंड में थी मार्केट तो बेसिकली कोई भी बात नहीं करता था, जैसे कि यहाँ पर ये कार्डानो का चार्ट है, जब आप इसको देखोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे किस तरीके का डाउन ट्रेंड दिखाया था, कोई बात नहीं करता था, कोई हाइप नहीं था। लेकिन इस तरीके के डाउन ट्रेंड में दोस्तों जब संभावनाएं तलाशी जाती हैं और इतने बड़े बड़े अगर हम कोई अच्छा बॉटम पकड़ लेते हैं तो कितने जबरदस्त मूव देखने को मिलते हैं, वो और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, नॉलेज समझ में आए कि बेसिकली क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी को किस तरह से ट्रेड करेंगे, किस तरह से प्रॉफिट कर सकते हैं, सिंपल सा यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों बेसिकली था हमें करना क्या होता है, देखो हमें करना ये होता है कि यहाँ पर हमें किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है। ये स्ट्रेटजी स्पेशली उनके लिए है जिनको ट्रेडिंग की ABCD नहीं आती है, तो पहले थोड़ा सा चार्ट वगैरह को समझ लें, उसके बाद यहाँ पर दो इंडिकेटर बताऊंगा, दो से तीसरा इंडिकेटर नहीं बताऊंगा और दो ही इंडिकेटर में आपको मार्केट अच्छे से प्रेडिक्ट होने लगेगी। तो वीडियो को ध्यान से देखना, स्किप बिल्कुल मत करना, यहाँ से इंडिकेटर के कॉलम में जाना है, आप यहाँ पर सिंपल सा आपको टाइप करना है MACD। ठीक है, तो ये MACD आ जाएगा, तो MACD पर MACD बिल्ड इन में भी मिल जाएगा और पब्लिक मिल जाएगा, तो MACD यहाँ पे लगा लिया। तो MACD आप जानते हो किस तरह का इंडिकेटर है, सबको मालूम है, काफी लोग यूज करते हैं लेकिन यूज करने का तरीका सही नहीं आता है। ठीक है, देखिए वही बात होती है कि आपने कोई अच्छी कार ले ली लेकिन कार चलानी नहीं आती है आपको, कार तो बहुत अच्छी है लेकिन आपको चलाना नहीं आता है परफेक्ट तरह से। तो चलो यहाँ पर दूसरा इंडिकेटर लेते हैं, दूसरा इंडिकेटर का नाम है दोस्तों 4EMA, करना है इस तरह से, ये देख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक इंडिकेटर मिलेगा जिस पर आपने देखा कि येलो कलर का स्टार है, 4EMA, आप जब करोगे तो यहाँ पर येलो स्टार नहीं होगा, ये 4EMA फ्लोकॉन, ये आपको यहाँ पर अपने चार्ट के ऊपर ऐड कर लेना है। ठीक है, इस तरह से मैं बता देता हूँ कि यहाँ से आपको सिंपल सा इसको क्लिक करना है, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये ऐड होने के बाद दोस्तों आपको अच्छे से मार्केट का ट्रेंड बताता है, यहाँ पर बेसिकली इसकी सेटिंग में जाना है आपको, यहाँ से सेटिंग में जाने के बाद जब इनपुट को आप देखते हो तो आपको दिखेगा यहाँ पर ये 9 पीरियड, 13 पीरियड, 21 पीरियड, 55 पीरियड। देखिए 21 और 55 ये मेरे पसंदीदा मूविंग एवरेजेस है, मैं इसका ही यूज करता हूँ, लेकिन जब 9 और 13 इसके साथ मिला लेते हैं क्योंकि 9, 13, 21, 55 ये फिबोनाची नंबर्स हैं, तो खैर उसकी डिटेल में आपको नहीं जाना है क्योंकि आप उसकी डिटेल में जाओ तो काफी ज्यादा कंफ्यूज जाओगे, तो यहाँ पर आपको ये कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इसको स्टाइल के ऊपर आना है, कलर अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू कलर है, बैगनी कलर है, यहाँ पर ये ऑरेंज कलर है, ये येलो कलर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इनपुट समझ लिया इसका 55, 21, 13, 9, ओके कर देना है, कुछ नहीं करना है, कोई भी बदलाव नहीं करनी इसकी सेटिंग में और ना ही MACD की सेटिंग में। अब देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ बेसिकली आपको ट्रेड कैसे लेना है। ठीक है, देखो यहाँ पर सिंपल सा आपको ट्रेड ऐसे लेना है कि अब जैसे कि ये मार्केट, अभी मैं दिखाता हूँ पहले अप ट्रेंड की जो मौजूदा कंडीशन चल रही है मार्केट की, उसके बाद डाउन ट्रेंड की दिखा दूंगा। देखो कार्डानो का चार्ट है, काफी अच्छा क्रिप्टो करेंसी है, बोलोगे मैं यहाँ पर एक ही चार्ट आपको आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा XRP का चार्ट भी दिखाने की कोशिश करूंगा। देखो मार्केट ये डाउन थी, मैं जब भी बोलता हूँ कि जैसे कि मार्केट इस क्रॉस ओवर यहाँ पे बन रहा है, देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर नीचे था, यहाँ पे मार्केट आई ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एंटर करना है, कैसे एंटर करना है, पहले मैं एक लाइन लेना है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आया था प्राइस, उसके बाद फिर नीचे डाउन आ गया, तो हमने ये लाइन को मार्क कर लिया, इसके ऊपर जैसे ही प्राइस निकलेगा तो दोस्तों हमें इसके ऊपर ट्रेड लेना है और MACD को देखना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये कैंडल पर हमारा ट्रेड बना, तो MACD ने देखो क्रॉस ओवर पहले दे दिया था। आप लोग करते ये हो कि आप लोग मार्केट का ट्रेंड जज नहीं कर पाते हो, मार्केट का ट्रेंड जज हुआ यहाँ से, इस कैंडल से जहाँ पर ये वर्टिकल लाइन खड़ी है, देखो कितना अच्छा खासा मूव मिला। ठीक है,
यहाँ पर एक अच्छा खासा मूव मिला दोस्तों। अगर इसको परसेंटेज वाइज यहाँ पर देखोगे तो इस तरह से 85% का मूव है दोस्तों। बड़ा टाइम फ्रेम है, टाइम लगेगा लेकिन अच्छे रिजल्ट देगा। चलो हटा देते हैं इसको। उसके बाद दोस्तों यहाँ से देखो करते ये बंदे गलती कि यहाँ पर हमें क्रॉस ओवर मिल रहा है। कहाँ पर क्रॉस ओवर मिल रहा है? ये वर्टिकल हमने लाइन ली और यहाँ पर देखो मूविंग ये सॉरी एमआईडी का क्रॉस ओवर हो रहा है। लेकिन क्रॉस ओवर अगर यहाँ पर क्रॉस ओवर हो रहा है तो मार्केट तुरंत नीचे नहीं आई, मार्केट तुरंत नीचे आई यहाँ पर। तो हमें इसको कैसे ट्रेड करना है, इसको मैं बताऊंगा कैसे ट्रेड करना है। ये जो लाइन ली थी ना, इसको सिंपल सा हमें एक मिनट, इस लाइन को हम इस लो पे रख देते हैं। क्योंकि देखो मार्केट यहाँ से इसको जब ये मूविंग एवरेज के चारों मूविंग एवरेज के नीचे किसने एक लो बनाया, मार्केट ऊपर गई। ठीक है, आप लोग यहीं पे ट्रेड मार देते हो जब आप देखते हो मैकडी को उसका प्राइस नीचे नहीं आता, रोते गाते हो कि अरे भाई नुकसान हो गया। तो यहाँ से हमने इस लो को टूटने का इंतजार किया। मैकडी ऑलरेडी क्रॉस ओवर दिए हुए, देखो यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ। वर्टिकल लाइन लगा देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे। ये देखो वर्टिकल लाइन को लगाया, देखो कितना शार्प मूवमेंट मिला। जैसे इसको दोस्तों इस ट्रेडिंग को बोलते हैं प्राइस एक्शन विद इंडिकेटर। तो देखो यहाँ पर इंडिकेटर्स ने हमें कंफर्म किया और प्राइस एक्शन हमारा मजबूत था। देखो कितना बढ़िया ट्रेड मिला। अगर शॉर्ट कर देते यहाँ पर तो मजा आ जाता, डेली चार्ट पे शॉर्ट कर देते 4 से 5 दिन के अंदर, बहुत ही जबरदस्त ट्रेड एक डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में देखो 60% का ट्रेड मिला। ठीक है, हटाओ इसको, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और देखते हैं, यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद देखो यहाँ से मार्केट नीचे आ गई चारों मूविंग एवरेज के नीचे। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से इस लाइन को भी हटाओ, एक मिनट इस लाइन को भी हटाते हैं। बेसिकली हम यहाँ सारे इंडिकेटर सब हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से मार्केट ने ऊपर चलना स्टार्ट किया और ये चारों मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर यहाँ पर बना, मार्केट ने हाई क्रिएट किया। किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे कि हमने एक हाई को मार्क किया। अब देखो यहाँ पर इसने तोड़ने की कोशिश की, नीचे चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि इस एरिया देखोगे आप, यहाँ पर आप देखोगे तो इस एरिया में मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर नहीं दिया था। ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पर क्रॉस ओवर दिया। अब यहाँ पर मैंने वर्टिकल लाइन ली, देखो क्रॉस ओवर एग्जैक्टली यहाँ पर है। यहाँ से मार्केट ने इस हाई को तोड़ा, जो ये इस ग्रीन कलर का हाई था यहाँ पर हमने मार्क किया था। अब हमें यहाँ पर ट्रेड लेना है। देखो यहाँ से यहाँ तक हमने ट्रेड लिया। ठीक है, यहाँ से हमें यहाँ तक ट्रेड लिया। अब यहाँ पर कुछ लोग पूछ सकते हैं सर यहाँ से अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो कहाँ तक हमें जाना है? तो भाई देखो तरीका तो ये होता है कि मूविंग एवरेज जब तक नीचे का क्रॉस ओवर ना बन जाए। तो अभी आप देखो कि चारों मूविंग एवरेज के ऊपर ही प्राइस जा रहा है, तो हमें ट्रेड यहाँ से यहाँ तक लेना है। यहाँ तक ये जब ये लो बना देगा तो हमें यहाँ पर एग्जिट मार देना है। ठीक है, अगर रूल्स की बात करोगे, अगर रूल्स की बात करोगे तो दोस्तों यहाँ पर हमने ट्रेड लिया था और देखो यहाँ पर इसने आके एक लो बनाया है, तो यहाँ पर हमें इस ट्रेड को खत्म कर देना है कि हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, लेकिन होता यह है कि देखिए मेरा ट्रेडिंग का जो स्टाइल है, मैं यहाँ से और इतना अच्छा खासा मूव अगर मुझे दिख रहा है, देखो अगर यहाँ से यहाँ तक का मूव देखोगे तो लगभग 188-178% का, और यहाँ पर अगर हम निकलते हैं वापस इतना टाइम का इंतजार करने के बाद तो हमें 89% का ही अपसाइड मूव मिलता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे काफी बड़ा मूव हो चुका है यार। अब मैं तो बोलता हूँ दोस्तों 20-30% 40% निकले, निकलो निकलो तुरंत। अब देखो यहाँ पर तीन वेव बनी थी। अब देखो यहाँ से एक निकलने का तरीका मैं और बता देता हूँ कि यहाँ पे हमने एंट्री ली थी और यहाँ पे हमने एग्जिट कर दिया। अब देखो यहाँ से बेसिकली आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट एक अपट्रेंड में आई। ठीक है, कोई बात नहीं, उसके बाद आके इसने एक लो यहाँ तक बनाया। तो हमें क्या करना है? हमें सिंपल सा इस लो को मार्क कर देना है। किस लो को मार्क करना है मैं दिखाता हूँ। देखो ये लो बनाया मार्केट ने, मार्क कर दिया। अब देखो यहाँ से मार्केट यहाँ तक गई, तो देखो दोस्तों कितना प्रॉफिट हुआ। अब देखो यहाँ पर क्रॉस ओवर आपको नीचे दिखेगा, तो यहाँ से और यहाँ तक हमें लगभग 26% का प्रॉफिट हुआ शॉर्ट साइड। ठीक है, अब देखो मार्केट यहाँ पर फिर ऊपर आई। सब हटा दो, सब हटा दो। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि एक मिनट, ये देखो मार्केट यहाँ से फिर ऊपर आई, मूविंग एवरेज के चारों मूविंग एवरेज के ऊपर आई। हमने क्या किया? एक हाई को मार्क किया, हाई को मार्क किया ना। यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, देखो कितना सुंदर नजारा है। प्राइस एक्शन को जब इंडिकेटर के साथ कंबाइन कर लोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन लगाई, एग्जैक्टली यहाँ पर आप देखोगे तो मूविंग एवरेज, यहाँ पर एमआईडी का क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पर मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हुआ, एक अच्छा खासा यहाँ पर ट्रेड मिला। कितना मिला दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ से हम और यहाँ तक गए, काफी जल्दी ट्रेड मिला 4-5 दिन के अंदर 61% का। अब देखो ये खाई बन गया, सब हटाओ, मतलब यहाँ पर हमने अपना ट्रेड क्लोज किया और ये खाई यहाँ पर बन गया। तो हमें एक लाइन को मार्क करना है हमेशा की तरह, लाइन ली मैंने और ये हाई को मार्क कर दिया। अब देखो मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया, ठीक है ब्रेक किया, तो हमें यहाँ पर इंटर कर देना। लेकिन देखो ब्रेक करने के बाद जब रिटेस्ट किया तो मार्केट नीचे नहीं गई, इसके वापस ऊपर चली गई। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रेजेंट कंडीशन है। देखो यहाँ पर हमें कितना प्रॉफिट अभी हो रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अभी तक हमें लगभग 36% का प्रॉफिट हो रहा है। आगे कितना होगा
अभी कुछ नहीं मालूम क्योंकि मूविंग एवरेज ये एमएचडी में कोई क्रॉसओवर नीचे के साइड आया नहीं है। ठीक है, अब काफी लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्योंकि मैंने एक्सआरपी लिखा है थंबनेल पर, तो एक्सआरपी का चार्ट भी मैं दिखा देता हूँ। बिल्कुल देखिए, ये स्ट्रेटजी हर चीज में वर्क करेगी, चाहे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हो चाहे स्टॉक मार्केट में हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, जल्दी से दिखा देता हूँ आपको, एक्सआरपी का चार्ट ले लेता हूँ और जल्दी से दिखा देता हूँ। ज्यादा मूव एक्सआरपी के मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सआरपी में अगर स्ट्रेटजी को लगाया होता तो हमें शायद लॉस ना होता। तो यहाँ पर देखो, ये मैंने ले लिया एक्सआरपी का पेयर, यूएसडीटी का पेयर में, ये देखो। अब तो सिंपल सा है, सारा सब कुछ हटा देता हूँ, हालांकि मुझे बाद में लगाना पड़ेगा वापस। अब देखो, मार्केट यहाँ से यहाँ तक नीचे थी। ठीक है, मार्केट ने देखो जब ऊपर आई थी तो मार्केट ने यहाँ पर एक हाई बनाया था, तो उस हाई को हमें मार्क करना था। सिंपल सा, इस तरह से हमने उस हाई को यहाँ पर मार्क कर लिया। ये देखो, यहाँ पर हमने मार्क कर दिया। अब हमें मालूम था जब इस हाई के ऊपर निकलेगी तो ही हम ट्रेड करेंगे। तो देखो, यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर वर्टिकल लाइन लगाते हैं, इस कैंडल के ऊपर हमने देखो कितना प्रॉफिट हुआ दोस्तों। 1 आवर 1 डे का चार्ट है ये, छोटा चार्ट नहीं है। देखो, यहाँ से यहाँ तक हमें लगभग 43% का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हो 43% का प्रॉफिट हुआ, एक हाई मिल गया हमें यहाँ पर। ठीक है, ये हाई जब टूटेगा तो ही ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। छोड़ दो, सबको हटा दो। यहां पर इस हाई को मार्क किया हमने, कर दिया। अब यहां पर देखो, एक खजाने का बॉक्स बन रहा था कुछ इस तरह से, तो स्ट्रेटजी के अंदर स्ट्रेटजी आपको मिल जाएगी। देखो, इस तरीके के बॉक्स में प्राइस गया, ब्रेकआउट हुआ, यहां तक तो हमें मालूम था एटलीस्ट जाएगा। लेकिन जब इसने इस हाई को तोड़ा, क्योंकि जब हमें प्रीवियस हाई मालूम होते हैं, जब हम अपट्रेंड में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, प्रीवियस हाई मालूम होते हैं, तो ट्रेडिंग काफी ईजी हो जाती है। देखो क्या करना था, यहां पर ये इतना मूव मिला, इतना बड़ा मूव है दोस्तों। यहां से अगर देखोगे, अगर इस पॉइंट से देखोगे, इस हाई से, तो लगभग 135%, और इस पॉइंट से अगर ये बॉक्स के ब्रेकआउट से देखोगे तो लगभग यहां पर 200%। ठीक है, वही बात। अब यहां पर इसको डिलीट करते हैं। देखो, मार्केट जब डाउन ट्रेंड में आई थी तो यहां पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने लो बनाया था यहां तक, यानी चौथे मूविंग एवरेज के नीचे, चारों मूविंग एवरेज के नीचे। तो हमें सिंपल सा यहां पर मार्क करना। देखो दोस्तों, वहां पर मैंने तभी बोला था कि मार्केट नीचे के साइड जा सकती है, तो पहले से मालूम था। देखो, मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया, यहां पर एक लो क्रिएट किया, फिर थोड़ा सा मार्केट ऊपर गई, फिर इसने इस लो को तोड़ा, यहां तक गई। ठीक है, तो अभी एक्सआरपी में कब ट्रेड लेना है? उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो अपडेट देखने के बाद आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि हमें कब लेना है। देखो, चारों मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस है, जबरदस्त बियरिश ट्रेंड है, अभी इसमें बाइंग की तो कोई पॉसिबिलिटीज बनती ही नहीं है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी ये बोला है कि आपको बाइंग नहीं करनी है, अभी सेफ साइड एंट्री करनी है इसमें। थोड़ा सा प्राइस ऊपर चलने दो, फिर करेंगे एंट्री। इस स्ट्रेटजी को यूज करके ट्रेडिंग करोगे तो नुकसान नहीं होगा। ये इसको अपने चार्ट पर लगाओ, बैक टेस्ट करो, पिछले चार्ट देखो, काफी अच्छे से रिजल्ट यहाँ पर समझ में आएंगे। चलो दोस्तों, मुझको इजाजत दो, चलता हूँ। गुड बाय, अल्लाह हाफिज, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।